हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज द हिंदू एडिटोरियल सितंबर 16 के डिस्कशन में दीपक सर के साथ आप सबों का स्वागत है। आज के द हिंदू एडिटोरियल की टॉपिक है वेटिंग फॉर रिफॉर्म्स ऑन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सुधार के प्रतीक्षा में आर्थिक प्रोत्साहन पर यह द हिंदू एडिटोरियल की टॉपिक है। द स्टिमुलस इंसेंटिव्स होल्ड प्रॉमिस बट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आर नोवेयर ऑन द होरिजन। प्रेरणा देने वाले कार्य वादे में तो किए गए हैं लेकिन आधारभूत सुधार धरातल पर कहीं भी नहीं दिख रही है। इसमें ग्रामर की दृष्टि से दो बात स्पष्ट होती है। पहला यह कि द स्टिमुलस इंसेंटिव्स ये प्लुरल सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे प्रयोग हुआ है और इसके साथ होल्ड प्लुरल वर्ब लगा गया है। और दूसरा जो कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, यह हमारा जो है यह भी प्लुरल सब्जेक्ट के रूप में है और इसके साथ आर का प्रयोग किया गया है। इसके बाद बट हमारा एक एडवर्जेटिव कंजक्शन के रूप में यहाँ पे आया है। बट एडवर्जेटिव कंजक्शन उसी समय आता है जब पहले स्टेटमेंट से ठीक विपरीत दूसरे स्टेटमेंट को कहा जाए। पीपल हु हैव बीन यर्निंग फॉर मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इट सीम्स विल हैव टू वेट टू हैव देयर ड्रीम्स कम ट्रू। लोग जो लंबे समय से किसी आर्थिक सुधार की प्रतीक्षा में है नरेंद्र मोदी की सरकार से, ऐसा प्रतीत होता है कि उन सभी लोगों को अपने सपने सत्य करने के लिए अभी प्रतीक्षा करने पड़ेंगे। ग्रामर की दृष्टि से यहाँ पे दो लाइन प्रमुख है। पहला यह है हु हैव बीन यर्निंग फॉर मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और दूसरा है विल हैव टू वेट टू हैव देयर ड्रीम्स कम ट्रू। फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन सैटरडे प्रेजेंटेड द तीसरी राउंड ऑफ स्टिमुलस मेजर्स टू रेसिसिटेट द स्ट्रगलिंग इकोनॉमी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन शनिवार को जो तीसरी बार प्रोत्साहन के उपाय पेश किए हैं जिसमें वो संघर्ष करने वाली अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कई सारे उपाय बताई हैं, बट वंस अगेन दे हैव लार्जली फेल्ड टू लिव अप टू इनिशियल हाइप अराउंड देम। लेकिन एक बार फिर उन्होंने जितने भी उपाय बताए हैं बड़े स्तर पर ऐसा लग रहा है कि शुरुआती दौर में लोगों के सामने जो बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया था एक आम तौर पे जिंदगी व्यतीत करने के लिए, यह आर्थिक उपाय उनके समक्ष फेल होता हुआ नजर आ रहा है। द प्रीवियस टू राउंड्स ऑफ स्टिमुलस प्लान, अर्थात इसके पहले भी जो दो बार आर्थिक सुधार को बेहतर करने के लिए कई सारी बातें बनाई गई थी, प्रेजेंटेड एट प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाई द मिनिस्टर ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स और जिसको संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री के द्वारा पिछले कुछ सप्ताहों में प्रस्तुत किया गया, फोकस्ड प्राइमरली ऑन रिवाइविंग द ऑटोमोबाइल सेक्टर और जिसमें यह केंद्रित किया गया था प्राथमिक तौर पे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को किसी तरीके से बेहतर किया जा सके, बूस्टिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स और विदेशी निवेशकों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सके, हुबर स्पोक्ड बाय द बजट जिनको पहले से बजट में घोषणा के द्वारा बताया गया था और ये बजट घोषणा पत्र जो कि जुलाई में पेश की गई थी, एंड इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ डेंजरसली फ्रेगाइल स्टेट ओन्ड बैंक्स और सरकार की प्रयास जो खतरनाक तरीके से राज्य के अधिकृत बैंकों की स्थिति हो गई है By doing everything short of privatizing them, उसके लिए कही गई है जिसमें सरकार कुछ भी करके उनकी निजीकरण करना चाहती है। अगर हम यहाँ पे ग्रामर की दृष्टि से देखेंगे तो आप खुद गौर कर रहे हैं कि सेंटेंस बहुत ही लंबा चौड़ा है। The previous two rounds of stimulus plan, यानी पहले दो दौड़ की वार्ता, उसके बाद सीतारमन ने प्रेजेंटेड किया इसको प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में पिछले कुछ सप्ताहों में, फिर एक छोटा सा टर्म जिसपे केंद्रित किया गया ऑटोमोबाइल सेक्टर को जीवित करने के लिए, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा छोटा सा टर्म बूस्टिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए, हुबर स्पोक्ड और जिनको कहा गया था बजट अनाउंसमेंट के जरिए इन जुलाई में, और उसके बाद लास्ट में प्रेजेंट पार्टिसिपल को जोड़ते हुए इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ डेंजरसली फ्रेगाइल स्टेट ओन्ड बैंक्स।
यानी हमारे जो राज्य अधिकृत कमजोर बैंक हो गए हैं उनको बढ़ाते हुए, उनके प्रोत्साहन देते हुए और उनके लिए ऐसा कुछ करना ताकि आने वाले दिनों में प्राइवेटाइजिंग की व्यवस्था उनके लिए भी लागू हो सके। तो इस तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल के जरिए इस बड़े से सेंटेंस को कई जगह पे जोड़ा गया है। दिस टाइम अराउंड द फोकस हैज बीन ऑन हेल्पिंग आउट द अंडर परफॉर्मिंग एक्सपोर्ट एंड रियल एस्टेट सेक्टर्स थ्रू पीसमेल फिजिकल रिफॉर्म्स। इस समय ये सारी बातें जो फोकस की गई हैं उसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला ये कि अंडर परफॉर्मिंग एक्सपोर्ट में मदद की जा रही है और दूसरा यह रियल एस्टेट सेक्टर में मदद की जा रही है। किसके द्वारा? तो एक एक करके जो सुधार हमारे वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है थ्रू पीसमील फिजिकल रिफॉर्म्स। पीसमील एक एडवर्ब है, एक एक करके आया हुआ जितना भी वित्तीय सुधार है उसके विषय में यहाँ पे ये बात कही गई है। एमोंग अदर थिंग्स, अन्य सुधारों के बीच में मिस सीतारमन अनाउंस्ड अ न्यू टैक्स रिफंड स्कीम एंड ग्रेटर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग फॉर द एक्सपोर्ट सेक्टर टू इंसेंटिवाइज एक्सपोर्ट्स। अन्य सुधारों के बीच मिस सीतारमन ने जो न्यू टैक्स रिफंड स्कीम की जो घोषणा की है और ग्रेटर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग फॉर द एक्सपोर्ट्स सेक्टर, और उन्होंने जो है एक्सपोर्ट सेक्टर में बड़ी उधार देने की प्राथमिकता की जो बात के लिए प्रोत्साहन दिया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट इज एक्सपेक्टेड, ऐसा आशा किया जाता है कि दैट द न्यू टैक्स ब्रेक्स टू द एक्सपोर्ट सेक्टर विल कॉज ए डेंट ऑफ अप टू 50,000 crore टू द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू। ऐसा आशा किया गया है कि ये जो नया टैक्स ब्रेक जो एक्सपोर्ट सेक्टर में दिया जा रहा है इससे सरकार को लगभग 50,000 crore का राजस्व प्राप्त करने में नुकसान हो सकता है। फर्दर, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग नॉर्म्स हैव बीन यूज्ड टू मेक इट इजियर फॉर इंडियन रियल एस्टेट कंपनीज टू टैप फंड्स फ्रॉम अब्रॉड एंड फंड्स वर्थ 10,000 crore हैव आल्सो बीन एलोकेटेड टू एड द कंप्लीशन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे इस बात पे जोर दिया गया है कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग नॉर्म्स यानी विदेश से आप पैसे उधार ले सके व्यावसायिक कार्य के लिए उसको आसान बनाया गया है। हैव बीन यूज्ड टू मेक इट ईजियर, उसको आसान बनाया गया है किनके लिए? फॉर इंडियन रियल एस्टेट कंपनीज, यानी भारतीय जो रियल एस्टेट की कंपनी है जो मकान वगैरह बनाते हैं उनके लिए, टू टैप फंड्स फ्रॉम अब्रॉड, ताकि वो विदेशों से फंड की उगाही कर सके। एंड फंड्स, और इसके बाद फिर फंड्स वर्थ 10,000 crore हैव आल्सो बीन एलोकेटेड टू एड द कंप्लीशन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, और उनको 10,000 crore के फंड का न सहायता के लिए निर्धारित किए गए हैं ताकि वो सस्ते मकान बनाने में वो देश की मदद करें। यहाँ पे ग्रामर की दृष्टि से आप देखेंगे सेंटेंस टूटा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस जो टूटा है, एक पहला है कि रियल एस्टेट कंपनी जो है वो विदेशों से आसानी से फंड ले सके इसके लिए नियमों को आसान कर दिया गया है, और दूसरा यह है कि सरकार ने उन्हें 10,000 crore का अलग से सरकार की तरफ से बैंकों के द्वारा रकम दी है ताकि वो देश में सस्ते मकान बना सके। विथ लैक ऑफ डिमांड एंड मेजर सप्लाई साइड बॉटलनेक्स बीइंग द प्राइमरी इशू फेसिंग एक्सपोर्ट्स एंड रियल एस्टेट। और यहाँ पे यह बताई जा रही है कि दो बातें, रियल एस्टेट और ये एक्सपोर्ट सेक्टर में जो कमी का कारण बन रही है, वो पहला यह कि मांग की कमी हो रही है और उसके बाद सप्लाई साइड से भी जो है सो अवरोधक है, यानी मांग भी सही तरीके से नहीं आ पा रही है और जो मांग है उसकी सही तरीके से पूर्ति भी नहीं की जा रही है। यह दोनों बातें जो है प्राथमिक स्तर पर एक्सपोर्ट्स और रियल एस्टेट कंपनी को सामना करना पड़ रहा है। इट इज डाउटफुल वेदर द प्रेजेंट मेजर्स विल बी इनफ टू रिवाइव द फ्लेलिंग सेक्टर्स। और इतना सारा काम करने के बाद भी यह संदेहास्पद लग रहा है कि क्या वर्तमान उपाय काफ़ी होगा इन सारे सेक्टर्स को पुनर्जीवित करने के लिए। यहाँ पे एक डॉटफुल हमारा बहुत ही सुंदर कंजक्शन आया है जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस में वेदर या इसका प्रयोग लेता है और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग लेता है। यहाँ पे डॉटफुल और इसके बाद इसी श्रेणी में डॉट DOUBT डाउट आता है
वो डाउट जो है हमारा नाउन भी है और वो डाउट जो है हमारा वर्ब भी है। तो ध्यान ये रखना है, अगर यह अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाए तो वेदर या इफ़ लेता है, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाए तो यह दैट लेता है। ओवरऑल कटिंग अक्रॉस ऑल थ्री स्टिमुलस राउंड्स अनाउंसड टिल डेट द गवर्नमेंट हैज बीन रिलाइंग ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन प्रोवाइडिंग फिजिकल रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ टैक्स कट कपल्ड विथ अ टीनी अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू वेट थ्रू व्हाट सीम्स लाइक अ स्ट्रक्चरल क्राइसिस इन द इकोनॉमिक। अगर हम वित्त मंत्री के तीनों राउंड के प्रस्तुत किए गए उपायों पर अगर हम गौर करेंगे तो पूरे तौर पर सरकार केवल दो ही बातों पर विश्वास कर रही है। पहला यह कि वह जो है इन क्षेत्रों में सरकारी बजट से वित्तीय सहायता प्रोवाइड की है, और दूसरा यह कि बहुत ही कम अमाउंट जो है वो टैक्स कट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग की तरफ से दिया गया है, ताकि यह जो हमारा स्ट्रक्चरल क्राइसिस चल रहा है, यह जो आधारभूत संकट जो अर्थव्यवस्था में चल रहा है उसकी पूर्ति की जा सके। ग्रामर की दृष्टि से यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले तो पूरी बातों में यह निचोड़ दिया गया है कि थ्री जो स्टिमुलस राउंड अनाउंस जो किए गए हैं वो अभी तक। उसके बाद एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यह कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है केवल विश्वास कर रही है वित्तीय रिलीफ पर, यानी लोगों को वित्तीय सहायता दे दे। किस किस रूप में? तो इन द फॉर्म ऑफ टैक्स कट के रूप में, टैक्स में पहली कटौती कर दी उन्होंने, और दूसरा सरकार अपने तरफ से जो है सो एक छोटी सी अमाउंट की व्यवस्था कर दी है, ताकि इस तरह के आधारभूत संकट से अर्थव्यवस्था को ना कोई नुकसान ना हो। द होप सीम्स टू बी दैट दीज मेजर्स कम्बाइंड विथ ए लूजर मॉनिटरी पॉलिसी स्टांस एडोप्टेड बाई द RBI विल बूस्ट स्पेंडिंग एंड रिवाइव ग्रोथ। ऐसा यह आशा किया जाता है कि जो उपाय बताए गए हैं उन उपायों में सबसे पहले जो शामिल हो रहा है, एक सबसे पहले लूजर मॉनिटरी पॉलिसी स्टांस को अडॉप्ट किया गया है। किसके द्वारा? तो RBI के द्वारा, जिसमें सरकार का खर्चा बढ़ेगा और यह बढ़ोतरी को पुनर्जीवित करेगा, रिवाइव ग्रोथ। दिस इज हाउ एवर ए फार क्राई फ्रॉम व्हाट मेनी एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए गवर्नमेंट दैट प्रॉमिस्ड रेडिकल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स व्हेन इट रोज टू पावर इन 2014। यहाँ पे दो बातें जो बताई गई है, पहला यह कि वित्तीय सहायता दे दो, दूसरा यह कि टैक्स में कटौती करो। ये दोनों बातें यहाँ पे यह कही जा रही है कि उस बात से बहुत ज़्यादा दूर है जिसमें सरकार से लोगों ने यह आशा की थी कि सरकार ने जो वादा किया था कि वो मूलभूत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेगी, मूलभूत जो संरचनात्मक सुधार है उसको वो लाएगी जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार जो है सत्ता में आई थी। विदाउट इनएक्टिंग एनी मेजर सप्लाई साइड रिफॉर्म्स लाइक लैंड एंड लेबर रिफॉर्म्स दैट कैन रेज पोटेंशियल ग्रोथ, इट इज आल्सो हार्ड टू सी हाउ ग्रेटर स्पेंडिंग कैन रेज ग्रोथ फॉर वेरी लॉन्ग। यहाँ पे इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि बिना सप्लाई साइड रिफॉर्म किए हुए, अर्थात आपूर्ति साइड, आपूर्ति के तरफ से बिना कोई सुधार किए हुए, आपूर्ति के तरफ से सुधार का मतलब जैसे लैंड रिफॉर्म, जैसे लेबर रिफॉर्म, क्या यह कोई विशेष ग्रोथ दे सकता है? तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि लैंड और लेबर रिफॉर्म किए बिना क्या सरकार कोई बेहतर वृद्धि ला सकती है। इट इज़ आल्सो हार्ड टू सी हाउ ग्रेटर स्पेंडिंग कैन रेज ग्रोथ फॉर वेरी लॉन्ग। और यह बात कही जा रही है कि सरकार के इतने बड़े खर्च पर यह देखना होगा कि क्या यह लंबे समय तक ग्रोथ को दे सकती है। द गवर्नमेंट में बिलीव दैट प्रेजेंट स्लो डाउन, गवर्नमेंट शायद विश्वास कर सकती है कि जो अभी वर्तमान समय की जो आर्थिक मंदी है, मार्क्ड बाई 5 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स ऑफ ड्रॉपिंग ग्रोथ, जिसमें 5 बार जो हमारा तिमाही मूल्यांकन होता है उसमें हमने अपने ग्रोथ को गिरते हुए पाया है, इज मेनली ए साइक्लिकल वन। यह केवल सरकार ही इसको मान सकती है कि यह जो है एक साइक्लिक ऑर्डर में है, सुधार अपने आप पुनः दिख जाएगा। अगर हम यहाँ पे ग्रामर की दृष्टि से देखें तो पहला लाइन सबसे पहले आपका यह कहता है कि सप्लाई साइड में जैसे लैंड और लेबर में सरकार ने कोई रिफॉर्म नहीं किया है,
इसके रिफॉर्म करने से पोटेंशियल ग्रोथ हो सकता था। और दूसरी पंक्ति में जो उसने बात कही है कि यह बहुत कठिन है कि केवल सरकार के द्वारा खर्च किए गए पैसे से लंबे समय तक हमारा ग्रोथ हो। इसके बाद हम अगले लाइन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे यह दिखता है कि सरकार शायद इस बात पे विश्वास कर सकती है कि जो वर्तमान मंदी जो दिख रही है, जो कि पिछले 5 तिमाही के रिपोर्ट के अनुसार हमारा ग्रोथ जो गिरता जा रहा है, यह केवल साइक्लिक है, यानी यह जो है एक रूटीन के स्तर पर है, अपने आप ग्रोथ जो हम लोग कर रहे हैं वह दिख जाएगा। But given the size of its victory in 2 consecutive elections, the government should aim higher by trying to push through long-pending structural reforms that can raise India's growth trajectory path to the next level. लेकिन यह देखते हुए सरकार जो है लगातार दूसरी बार चुनाव में एक बड़े बहुमत के साथ जीती है, तो गवर्नमेंट को कोई बड़े जो लंबे समय से स्थगित आधारभूत सुधार चल रहे हैं, सरकार को उस विषय पर जोर देना चाहिए जो कि वास्तव में भारत के ग्रोथ के विकास के पथ को अगले स्तर तक ले जा सकता है। सरकार ऐसा ना करके केवल वह वित्तीय सहायता दे रही है और टैक्स में कटौती कर रही है। डियर स्टूडेंट्स, यह एडिटोरियल अभी के आर्थिक समीक्षा को बढ़ावा देता है। अभी आर्थिक स्थिति हमारे देश की क्या है उसको यह बताता है। इसमें बहुत सारे प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के स्ट्रक्चर का प्रयोग हुआ है। एक छोटा सा प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर है जिसको कि आप देखेंगे और उससे हिंदी निकालने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जब 2 कार्यों का जिक्र हो जिनमें दूसरा कार्य पहला कार्य का भाग हो या परिणाम हो, तो दूसरे कार्य के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। द पुलिस फायर्ड किलिंग 2 robbers, ही फेल फ्रॉम द लैडर ब्रेकिंग हिज लेफ्ट लेग। आप गौर कीजिए, इस तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ एडिटोरियल में हमेशा आपको मिलेंगे। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे कॉमा दिया गया है, ये कॉमा जो है अर्थ निकालने में आपकी मदद करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि पुलिस ने फायरिंग की और उससे 2 डाकू मारे गए। ही फेल फ्रॉम द लैडर, वह जो है सीढ़ी से गिर गया और उसने अपनी जो है सो बाई पैर जो है सो तोड़ ली, यानी उसका बायां पैर टूट गया। ये कॉमा है। अगले स्ट्रक्चर में आपको बताएंगे कि अगर ये कॉमा ना रहे तो इस तरह के सेंटेंस का क्या अर्थ निकलता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो अभी हमने आपको पैटर्न दिया है जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है, यह एडिटोरियल पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। हम उम्मीद करते हैं यह जो आर्थिक समीक्षा वाली एडिटोरियल है ये आपके लिए बहुत बेहतर होगी। यदि कहीं कुछ बातें शेष रह गई हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ग्रामर के भी आपके छोटे छोटे टॉपिक और बड़े बड़े टॉपिक दिए जाएंगे। थैंक यू।